तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिकवर डिलीटेड वीडियोस फोटोज फॉर फ्री। आज मैं आपको 2024 का बेस्ट रिकवरी सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने एक बढ़िया सी फोटो क्लिक की या फिर आपने एक अच्छी सी वीडियो शूट कर ली और उसके बाद उसे आपने अपनी पेन ड्राइव, एसडी कार्ड या फिर अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर उसे सेव कर दिया, लेकिन गलती से वो फाइल आपकी हो गई डिलीट। अब ये फाइल कभी कभी गलती से भी डिलीट हो जाती है या फिर मान लो आपका पीसी ही क्रैश हो गया तो उसमें भी आपकी सारी फाइल्स गायब हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको हो जाती है टेंशन, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी किसी भी डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हो, वो भी दो तीन स्टेप के अंदर। दो तीन क्लिक करने हैं और बिल्कुल फ्री में आप अपनी किसी भी फाइल को कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। दोस्तों, जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आप tenoshare.com की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां पर आप देख सकते हैं 4D-Dig विंडोज डेटा रिकवरी प्रो प्रीमियर 4D-Dig विंडोज डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है और इसे यूज करना भी बहुत ही आसान है। बहुत आसानी से आप किसी भी डिलीटेड डेटा को कवर कर सकते हो, चाहे आपका पार्टीशन डिलीशन हो, फॉर्मेट रिकवरी हो, रॉ फाइल रिकवरी हो, क्रैश कंप्यूटर रिकवरी हो, सारा कुछ आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हो। चाहे वो आपका पीसी हो, लैपटॉप हो, हार्ड ड्राइव हो, एक्सटर्नल ड्राइव हो, एसएसडी, यूएसबी ड्राइव, एसडीसीएफ कार्ड, डिजिटल कैमरा, ड्रोन, किसी भी तरह के डेटा को रिकवर किया जा सकता है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पर इंस्टॉल करना होगा। इसे आप फ्री में यूज कर सकते हो, यहां पर ट्राई इट फ्री का ऑप्शन आ रहा है। इस सॉफ्टवेयर को आप विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7 सभी पर यूज कर सकते हो और इसका मैक वर्जन भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ट्राई इट फ्री पर क्लिक कर देना है और सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पर डाउनलोड कर लेना है। यहां पर इंस्टॉल का बटन आ रहा है, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर आपके पीसी में बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी पर डाउनलोड हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं स्टार्ट का बटन आ रहा है, इसे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जब हम इसे ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। tenoshare 4D-Dig लॉस्ट डेटा रिकवरी, यहाँ पर हमारी हार्ड ड्राइव दिखाई देंगी, जो भी हमारे पीसी के हार्ड ड्राइव होंगी वो आपकी यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर हमारी लोकल डिस्क सी दिखाई दे रही है, इसके अलावा एसडी कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, क्रैश्ड पीसी का ऑप्शन दिख रहा है, एनहांस वीडियो रिकवरी का ऑप्शन दिख रहा है, फोटो रिपेयर, वीडियो रिपेयर, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर से कोई फाइल स्कैन करना चाहते हो तो यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। रिसाइकल विन का ऑप्शन आ रहा है, इसे स्कैन करने का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, किसी पर्टिकुलर फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डेटा किसी भी कारण से डिलीट हो गया हो तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही आसानी से आप उसे रिकवर कर सकते हो। तो मेरे पास एक पेन ड्राइव है, ये वाली पेन ड्राइव मैं अपने लैपटॉप पर लगा के देखने वाला हूं। इसके अंदर हमारी कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज इसके अंदर हैं, तो इसके डेटा को मैं डिलीट करके फिर आपको रिकवर करके दिखाता हूं कि ये सॉफ्टवेयर कितना कमाल का सॉफ्टवेयर है। तो इस पेन ड्राइव को मैं अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट पर लगा दे रहा हूं। अब पेन ड्राइव के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं, इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूं, मेरे कुछ फोटोज और वीडियोज हैं यहां पर, आप देख सकते हो ये मेरा वीडियो है, ये फोटो है, ये फोटो है, ये फोटो। अब मैं क्या करूंगा, इस पेन ड्राइव को पूरी तरह से मैं यहां पर फॉर्मेट कर देता हूं, ठीक है, सारा डेटा मैं इसका डिलीट कर देता हूं। इसे हम करेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्विक फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, इसे बंद कर दे। तो इस ड्राइव के अंदर जो भी हमारा डेटा था, वीडियो, फोटो, सब कुछ डिलीट हो चुका है। अब इस पेन ड्राइव के अंदर कुछ भी नहीं है। अब इस डेटा को रिकवर करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है 4D-Dig, बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा डेटा अब आप कैसे रिकवर करोगे। तो यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो ये हमारी लोकल ड्राइव सी दिखाई दे रही है और यहां पर हमारी यूएसबी ड्राइव डी दिख रही है, जिसके अंदर ये पूरी तरह से कोई भी डेटा अभी यहां पर ये शो नहीं कर रहा है। तो यहां पर इस डेटा को रिकवर करने के लिए हमें सिंपल यहां पर जो स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, स्कैन पर आपको क्लिक कर देना है, रीस्कैन नाउ पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हो यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि आप क्या रिकवर करना चाहते हो, तो वो आप यहां सिलेक्ट कर सकते हो, फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, अदर सिस्टम फाइल, जो भी आपको
रिकवर करना हो वो सिलेक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। तो मैं अपना फोटो और वीडियो इन दोनों को मैं रिकवर करूँगा, मैंने दोनों सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको स्कैन सिलेक्टेड फाइल टाइप्स पर क्लिक कर देना है। हमारी स्कैनिंग यहाँ पर चल रही है, आप देख सकते हैं एडवांस्ड स्कैनिंग यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर हमारी स्कैनिंग कम्प्लीट हो चुकी है, अंडरस्टूड पर क्लिक कर देता हूँ। इस साइड आप देख रहे हो हमारी जो यूएसबी ड्राइव थी इसके अंदर 168 फाइल्स यहाँ पर ये दिखा रहा है। इसके आगे एरो आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दो तो आपको सारी फाइल्स के जो फॉर्मेट हैं वो दिख जाएंगे कि आपको जेपीजी वाली फाइल रखनी है, MP4 रखनी है, PNG रखनी है, कौन सी फाइल आप रिकवर करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे जेपीजी वाला फोल्डर मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद MP4 वीडियो वाला फोल्डर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने एक PNG फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर एक रिकवर का बटन आ रहा है, रिकवर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा कि फाइल को रिकवर करने के बाद आप उसे कहाँ पर सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डेस्कटॉप पर करना चाहते हो या सी ड्राइव में करना चाहते हो या फिर इसी पेन ड्राइव के अंदर करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लूँगा, डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, रिकवर्ड फाइल्स लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर बना दिया रिकवर्ड फाइल डेस्कटॉप के ऊपर और उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे रिकवर्ड फाइल्स वाले फोल्डर को और अब उसके बाद फिर से एक बार रिकवर पर क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर रिकवर ओनली पर मैं क्लिक कर देता हूँ, हमारी फाइल्स थी जो हमने सिलेक्ट की हुई हैं वो हमारी रिकवर हो रही हैं। यहाँ पर रिकवरिंग का मैसेज आ रहा है, रिकवरी कंप्लीटेड हो चुकी है और उसके बाद व्यू रिकवर्ड पर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल्स हैं आपके डेस्कटॉप पर जो आपने ये फोल्डर बनाया था वहाँ पर जाके सेव हो चुकी हैं। यहाँ पर अब हमारे दो फोल्डर मैंने जो सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर रिकवर हो चुके हैं। सबसे पहले फोटोज पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर जेपीजी और पीएनजी दो फोल्डर दिख रहे हैं, पीएनजी पर क्लिक कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरी जो फोटोज थी वो रिकवर हो चुकी हैं और ये जो कुछ फोटो है ये एक्स्ट्रा फोटो रिकवर हो गई है, पहले की कोई फोटो होगी लेकिन जो अभी वाली फोटो थी वो हमारी यहाँ पर रिकवर हो चुकी है। एक ये फोटो थी हमारी, एक ये फोटो थी, इसे ओपन करके देखेंगे तो ये हमारी फोटो आप देख सकते हैं ये रिकवर हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ वीडियो के अंदर हमारी कौन सी वीडियो यहाँ रिकवर हुई है, वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी दोनों वीडियो रिकवर हो चुकी हैं। इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ मैं आपको, प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये वाली वीडियो देखो हमारी पूरी तरह से अच्छी तरह से यहाँ रिकवर हो चुकी है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है, आप इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी किसी भी डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर मुझे ये लग रहा है, तो मेरा आपको यही सजेशन है कि एक बार आप इस सॉफ्टवेयर को जरूर इस्तेमाल करके देखो, आपको बढ़िया लगेगा। और आप चाहते हो इसका प्रो वर्जन अगर आपको बाय करना है तो वो भी आप कर सकते हो इनकी वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको के सारे प्लान्स देखने को मिल जाते हैं, इनमें से मंथली, ईयरली, लाइफ टाइम जो भी प्लान आपको अच्छा लगता है वो आप यहां से बाय भी कर सकते हो। अगर आपका इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।